सबसे पहले तो आप सबका स्वागत, आपके सभी दर्शकों का स्वागत। और आज हम यहाँ मिलने आए थे, वैसे तो राजनीतिक भाषा में इसको शिष्टाचार मुलाकात कहते हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे समझता हूँ कि ये हमारा एक आत्मीय मुलाकात थी, इस लिहाज से कि ये देश में जो परिस्थिति है अभी, जिस तरह से तानाशाही चल रही है, किसी को भी पकड़ करके बिला वजह जेल में बंद कर देना, इस तानाशाही के खिलाफ हम लोग पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं और तानाशाही के खिलाफ इस लड़ाई में हम सब एकजुट हैं। तो उनसे हम ये बात कहने के लिए, उनको बताने के लिए कि इस लड़ाई को हम लोग सब मिल करके लड़ेंगे, एकजुट होकर के लड़ेंगे और देश में संविधान और लोकतंत्र को जिस तरह से समाप्त किया जा रहा है, इसको हम लोग बचाएंगे, संविधान को भी, देश को भी, और इस तानाशाही को खत्म करेंगे। चुनाव को लेकर कोई बातचीत हुई कैंपेन को लेकर, खासतौर पे क्योंकि वो चार सीटों पे चुनाव प्रचार कर रही है, क्या आपने डिमांड की कि हमारी सीट पे भी आए? क्योंकि नहीं, चार सीट पे हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम 543 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम इंडिया अलायंस के सब लोग जो है घटक दल हैं और ये अलायंस पूरी तरह से एकजुट है। दिल्ली की भी 7 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो भी हम लोग रणनीति बना रहे हैं वो किसी एक प्रत्याशी के लिए या एक पार्टी के लिए नहीं बना रहे हैं, वो दिल्ली के लिए बना रहे हैं, दिल्ली के लोगों के लिए बना रहे हैं, क्योंकि ये दिल्ली के लोगों के आत्मसम्मान का सवाल है। किसी को, एक व्यक्ति को सांसद बनाने का सवाल नहीं है, किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने का सवाल नहीं है, एक पार्टी की सरकार बनाने का सवाल नहीं है। सवाल है कि दिल्ली के लोगों को जिस तरह से अपमानित किया जा रहा है, जिस तरह से दिल्ली में तानाशाही चल रही है, जिस तरह से सीएम साहब को पकड़ करके जेल में डाल दिया गया है, इस तानाशाही के खिलाफ और दिल्ली के अधिकारों पे जो रोज़ बरोज हमले हुए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ऑर्डिनेंस के तहत बदला गया, जिस तरीके से बार बार विकास के कार्यों को अटकाने की कोशिश की जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, और अंततः कई नेताओं को पकड़ करके चुनाव के बीच में जो जेल में डाला गया है, मैं समझता हूँ कि ये दिल्ली के लोगों को अपमानित किया जा रहा है। तो दिल्ली में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, ये दिल्ली के आम लोगों के आत्मसम्मान की लड़ाई है, और दिल्ली के ऊपर जो तानाशाही थोपी जा रही है, देश के ऊपर जो तानाशाही थोपी जा रही है, उस तानाशाही के खिलाफ दिल्ली के लोग एकजुट रहें, एक साथ रहें, और हम सभी सीटों पर, 7 सीटों पर मिल करके लड़ रहे हैं और मिलकर रणनीति बना रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस में भी फूट है आपके नाम को लेकर, लवली छोड़ देते हैं, खत लिखते हैं, आपका नाम भी का भी जिक्र करते हैं, तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि चुनाव के दौरान ये होना, तो क्या नुकसान होगा या फिर किस वजह से आप मान रहे हैं? अव्वल तो जो है वो पत्र मुझे नहीं मिला है, अव्वल वो पत्र तो मुझे नहीं मिला है, ना मैंने वो पत्र पढ़ा है। और आपको मालूम है कि देश भर में बीजेपी जो कर रही है वो ज़्यादा खतरनाक है, रादर देन कांग्रेस के किसी पार्टी के नेता ने इस्तीफा दे दिया, उससे ज़्यादा खतरनाक चीज़ें देश में हो रही है। हमने देखा कि सूरत में क्या हुआ, हमने देखा कि इंदौर में क्या हुआ, हमने देखा कि खजुराहो में क्या हुआ। मैं तो दिल्ली के लोगों को भी कह रहा हूँ कि आप सौभाग्यशाली हैं, आपके पास मौका है कि आप वोट दे पा रहे हैं, आपके प्रत्याशी टिके हुए हैं, तो आप वोट दीजिए, क्योंकि आपको जो ये वोट देने का अधिकार मिला है, ये आपके पास रहेगा कि नहीं रहेगा, पूरे देश की सूरत जो है वो सूरत जैसी बन जाएगी, इस पर विचार करना चाहिए और इस पर चर्चा करना चाहिए। चुनाव के दौरान पार्टी के भीतर प्रत्याशी को लेकर के या किसी नेता का इस्तीफा होना, ये कोई नई बात नहीं है। नई बात ये है कि प्रत्याशियों को डरा के, धमका के बिठा देना, प्रत्याशियों को अपने साथ मिला लेना और चुनाव ही नहीं होने देना, ये ज़्यादा खतरनाक बात है। अभी तारीख तय नहीं है, तारीख तय होगी तो आप लोगों को सूचित करेंगे। अभी तारीख ही नहीं तय हुई है और हमने आपको कहा कि जो है ये मुलाकात जो है वो चुनावी नहीं है, वैचारिक है।